रिश्वत देश में किसी सुरसा से कम नहीं है। हर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार होता है और इसे रोकने के लिए सरकारें तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। लेकिन इंसानों की ये रिश्वत वाली भूख है कि खत्म ही नहीं होती। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तर्ज पर मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा किया था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि जो कहा सो किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा कर रही सुशासन को समर्पित हमारी सरकार। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हुए प्रदेश सरकार ने लिया अहम निर्णय। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच हेतु राज्य सरकार से सामान्य सहमति की दी गई अनुमति। इस निर्णय से सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई होगी सुनिश्चित। राजस्थान को भ्रष्टाचार की पीड़ा से मुक्त कराने हेतु हमारी सरकार पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। अब सरकारों के इस प्रयास से भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगी है, इसका उदाहरण देखने को मिला उदयपुर जिले में, जहां एसीबी की टीम ने वाणिज्य कर विभाग के एक अधिकारी को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान जीएसटी के ज्वाइंट डायरेक्टर रविंद्र जैन के रूप में हुई है। रविंद्र जैन पर आरोप था कि उन्होंने एक रिसोर्ट के जीएसटी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने और आईटीसी क्लेम का लाभ दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने इस पर शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने जांच शुरू की। एसीबी की उदयपुर इकाई ने पुलिस निरीक्षक डॉक्टर सोनू शेखावत के नेतृत्व में शिकायत की, सत्यता की पुष्टि की और मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई की। रविंद्र जैन को 1 लाख रुपए के असली नोट और 7 लाख रुपए की डमी करेंसी के साथ पकड़ा गया। रविंद्र जैन के घर और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एसीबी की टीम ने रविंद्र जैन के बैंक खातों की भी जांच की है। एसीबी के सीआई सानू शेखावत के नेतृत्व में इस मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। इस मामले में एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में चल रही सख्ती को और बल मिला है।